نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي. اللهم فقهنا في الدين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. آمين يا رب العالمين. हमने आयत नंबर 8 तक पढ़ लिया था, और नंबर 8 में जो दुआ है वो मैंने आप सबसे रिक्वेस्ट की थी कि उसे याद कर लीजिएगा. तो इंशाल्लाह आज ग्रुप में मैं आपसे पोल ले लूँगी किस किस ने याद किया किस किस ने नहीं. तो जिसने नहीं याद किया वो ज़रूर याद कर लीजिएगा. तो नया आयत नंबर 9 से हमने स्टार्ट करना था इंशाल्लाह. रब्बना, ए हमारे रब, इन्नक, बेशक तू जामिउन नासी. ठीक है, जामिउ जमा करने वाला, जमा करने वाला है लोगों को. लियाउमिन, उस दिन के लिए. ला रैबा फीही, जिसमें कोई शक नहीं है. इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह. ला युखलिफुल मीआद, नहीं है. ला मतलब नहीं, युखलिफु खिलाफ करे, कि वो खिलाफ करे. अलमीआद वादे के, यानी बेशक अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता. ये बेसिकली पीछे भी रब्बना से दुआ शुरू हो रही थी, ये सेंटेंस भी रब्बना से शुरू हो रहा है. दुआ की कॉन्टिन्यूएशन में ही है बेसिकली ये आयत भी, ये सेंटेंस भी. और आपने देखा कि पीछे हमने ईमान बिल किताब पे बात की है, और ईमान बिल्लाह पे. अल्लाह की सिफात और किताब की सिफात जब भी बताई जा रही हैं, तो उसका मकसद क्या है? कि हमें उसकी मार्फत हासिल हो, और फिर हमारे ईमान में मजबूती हो. या अगर किसी का ईमान नहीं है तो वो ईमान ले आए. तो बेसिकली हमारे ईमान के लिए ये बातें बताई जा रही थी. और डेफिनेटली ईमान होगा तो फिर ही अमल होगा. और आगे फिर अल्लाह ताला ने हमें नंबर 8 आयत में दुआ सिखाई, कि ईमान के साथ साथ जब बेसिकली ईमान आ जाता है ना, इंसान अमल करता है, तो सिर्फ अमल काफी नहीं होता, बल्कि अमल के साथ साथ अब अल्लाह से मांगना भी जरूरी होता है. और दुआ जो है वो तो आपको पता ही है कि दुआ ही इबादत है. अद्दुआउ हुआ इबादत, ये हदीस है ना. तो दुआ जो है वही तो असल में इबादत है. तो मतलब ये कि दुआ इबादत का एक बहुत अहम अंसर है, इबादत का, जिसको हम छोड़ नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते उसके बेनिफिट्स हैं. और अल्लाह से मांगना भी, इस पर भी हमने ईमान लेकर आना कि हम अगर मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह. तो अब यहाँ आयत नंबर 9 में क्या बात हो रही है, आप देख रहे हैं कि क्यामत के दिन की बात हो रही है. तो ईमान बिल्लाह के बाद अब बात किसकी है? ईमान बिल कयामत की, कि क्यामत पर ईमान अगर हम नहीं लेकर आते तो हमारे अमल में तब्दीली लाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा. सिर्फ अल्लाह को मान लेने से कोई भी इंसान अपने ना रवैयों को नहीं बदल लेता, जैसा वो है ना, वो उसको चेंज करने में उसको ना इतनी कोई आसानी नहीं हो जाती. ठीक है, आसानी या मोटिवेशन सही इंसान को अपने आप को तब्दील करने की ना, तब मिलती है जब उसको ये पता हो कि ये जो मैं कर रहा हूँ इसकी सजा होगी या इसकी जजा होगी. ठीक है, जैसे आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग इजी लेने लग जाते हैं क्लासेस को, लेकिन अगर पता हो कि एग्जाम होगा, क्यामत का दिन एक फाइनल डे होगा जिसपे एग्जाम होगा, और फिर रिजल्ट अनाउंस होगा, और वो भी सबके सामने अनाउंस होगा पास और फेल का, तो आप देखेंगे सारे के सारे लोगों का एक्शन चेंज हो जाएगा. सारे फजर के वक्त उठेंगे, सारे नमाज लेंगे. तो ये एग्जैक्टली सेम यही सिचुएशन होती है हमारे बाकी सारे जिंदगी में भी, हमारे आमाल की और इखलाक की और रवैयों की. तो अल्लाह ताला हमें क्या सिखा रहे हैं? हमें बता रहे हैं कि हम इस बात को अच्छी तरह माने, पक्का माने, क्या हमारे रब बेशक तू ही जमा करने वाला है लोगों को उस दिन के लिए जिसमें कि कोई शक नहीं है. तो हमने सूरतुल बकरा में क्या पढ़ा था? दालिकल किताब ला रैब फीह, कि ये किताब जिसमें कोई शक नहीं है, और जहाँ पे हम पढ़े क्यामत के दिन की
सेम खसूसियत है कि उसको भी आना ही आना है, क्योंकि अल्लाह ने हमें बता दिया। टेक्सचुअल एविडेंस इसको कहते हैं, किताब में दलील हमारे पास मौजूद है और इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। रईब क्या होता है? रईब ऐसे शक को कहते हैं जो बेसिकली बेचैनी पैदा करता है। ठीक है, अगर हमें ये पता हो ना, कि अगर हमें ये गलत पता हो कि जितना भी दुनिया में इविल हो रहा है उसके बाद में सजा कोई नहीं है, ये इसराइल जो है इतने लोगों को कत्ल कर रहा है, शहीद कर रहा है, तो उसकी कोई पकड़ नहीं है, कोई सजा नहीं है, तो इससे क्या होगा? हम बेचैन रहेंगे, हमारी तबीयत खराब रहेगी, हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि जी अच्छा ऐसा भी पॉसिबल है कि इसका कोई आगे पनिशमेंट या रिवॉर्ड ना हो। और फिर उसको हम हमारे लिए ना वो दीन एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाएगा, और ऐसा खुदा एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाएगा जो कि पनिशमेंट और रिवॉर्ड की बात ही नहीं करता। ठीक है, तो जो खुदा पनिशमेंट और रिवॉर्ड की बात करता है, डेफिनेटली फिर वही सच्ची बात है, और इसमें फिर कोई शक नहीं। और यही बात हमारी बेचैनी को बेसिकली दूर करने वाली बात है। बेशक अल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अपने वादे के खिलाफ नहीं करता, मतलब क्यामत वाला दिन आके ही रहेगा, इस पर पक्का यकीन होना हमारा जरूरी है। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग जो के, अल्लज़ीना क्या है? इसम मौसूल और जमा और मुज़क्कर के लिए आता है। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग जो के, कफरू जिन्होंने कुफर किया, कफरू कफरा का कफरानी कफरा कफरा इसका वाहिद है, माजी है, कफरा तस्निया एंड कफरू वो हो गया जमा मुज़क्कर के लिए। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, लन हरगिज नहीं, नेवर के लिए क्या आता है? लन, तुगनिया काम आएगा, अनहुम ठीक है, तुगनी डेट इज पैसिव वॉइस, काम आएगा, अनहुम उन्हें, अम्वालुहुम उनके माल, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया हरगिज नहीं काम आएंगे उन्हें उनके माल, वला और ना ही औलादुहुम उनकी औलाद, मिन अल्लाह ही अल्लाह के खिलाफ, अल्लाह के मुकाबले में शय अन कुछ भी। तो उस दिन उनके जो माल और औलाद है ना, जिसके लिए वो दुनिया में एफर्ट्स करते रहे, जिसके लिए वो दुनिया में भागते रहे, उनकी पूरी कोशिश दुनिया में किस चीज की थी? कि माल कमाते रहे, मैं एक नौकरी कर लूं, दो नौकरी कर लूं, तीन ट्यूशंस पढ़ा लूं, मैं इस टाइम भी बिजी हूँ, मैं फला टाइम बॉस ने बुला लिया था, मैं काम कर रही थी, इस टाइम मेरी असाइनमेंट चल रही थी, तो मैं माल कमाने में बहुत ज्यादा बिजी थी, और दूसरा मेरी औलाद ने मुझे बिजी किए रखा, मैं बच्चों को यहाँ ड्रॉप कर दूँ, यहाँ पिक कर दूँ, अब ट्यूशन पढ़ा दूँ, अब ट्यूशन पे छोड़ दूँ, या अब ये बच्चे बच्चों को गेम पे छोड़ दूँ, यहाँ गेम से पिक कर लिया, और बच्चों को भी फजर के वक्त उठा ही नहीं रहे, सो रहे हैं, और बच्चों को घुमा फिरा लाऊं। लोग ज्यादातर टाइम कहाँ पे वेस्ट कर रहे होते हैं? माल और औलाद के पीछे लग गई, माल और औलाद के चक्कर में सिर्फ टाइम ही वेस्ट नहीं कर रहे होते, बल्कि अपनी सारी एनर्जी, सारी एफर्ट और सब कुछ लगा देते हैं माल और औलाद के पीछे। माल और औलाद को कमाना या उन पर लगाना, औलाद पर लगाना, माल को कमाना और औलाद की मोहब्बत को कमाना, ये सब कुछ हराम नहीं है, मना नहीं है, लेकिन इस सब में हद से ज्यादा बढ़ जाना, इस सब में बैलेंस को छोड़ देना, इस सब में अल्लाह को भूल जाना, अल्लाह के साथ रिश्ते को भूल जाना, लोगों में बैठकर हंसना खेलना इतना ज्यादा के सिर्फ लोगों के साथ हंसी मजाक याद है, और अल्लाह को भूल गए हैं, नमाजों का वक्त भूल गए हैं, रोजों को भूल गए हैं, ना अपनी आखिरत की फिक्र है, ना ही अपनी फैमिली की आखिरत की फिक्र है। या अय्युहल्लज़ीन आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, अल्लाह तआला क्या कहते हैं? अपने आप को बचाओ और अपने घर वालों को भी तो बचाओ आग से। तो हम अपने आप को भी बचाना भूल जाते हैं जब हम माल कमाने में निकलते हैं और औलाद के पीछे लग जाते हैं। ठीक है, माएं यूजली नमाज क्यों छोड़ी होती हैं? बच्चों को सुला रही हैं, बच्चों को दूध पिला रही हैं, बच्चों को खाना खिला रही हैं, या बच्चों के लिए खाना पका रही हैं, या घर के और कोई अफराद है उनके लिए कामों में लगी हुई हैं। तो इसी तरह मर्द जो है वो जॉब्स के पीछे लग के यूजली मोस्ट ऑफ द टाइम अल्लाह को भूल जाते हैं, और औरतें बच्चों के कामों के पीछे लग के अल्लाह को बिल्कुल भूल जाते हैं। तो ये अल्लाह ताला कह रहे कि ये जिनके पीछे लग के तुम आज मुझे भूले हुए हो ना, तो ये सब कुछ क्यामत के दिन ना काम नहीं आएगा। ठीक है, काफिरों काफिर तो 100% इन चक्रों में होते हैं, और बहुत सारे मुसलमान भी क्या करते हैं, वो भी इन चक्रों में ही पड़ जाते हैं, तो ये फिर अल्लाह के मुकाबले में नहीं बचा सकेंगे।
अब क्यामत के दिन ये लोग सामने कि या अल्लाह मेरी माँ हर वक्त मेरी खिदमत ही करती रहती थी इसलिए वो नमाजें नहीं पढ़ती थी, तो प्लीज तो उसे बख्श दे। तो ये वाला बहाना नहीं चलेगा, औलाद नहीं बचा सकेगी। या वालिद कहें कि मैं हलाल कमाई कमाता रहता था, या माल हलाल कमाई कमाता था और माल को पेश करें कि या अल्लाह तो मुझसे माल ले ले, ये इतने मैंने जमा किया, ये तो मुझसे माल ले ले और प्लीज मुझे छोड़ दे, मुझे सजा ना दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। माल, औलाद या और कोई भी चीज जिसके पीछे इंसान लगा रहा, कुछ भी नहीं काम आने लगा। वह उलाइका, और यही लोग हैं जो के होंगे, जालिका का प्लूरल क्या होता है, उलाइका इसम इशारा, हम वो, हम क्या है, हम इज बेसिकली जमीर, इसम जमीर, बोथ आर टाइप्स ऑफ जमीर, और इसम मौसूला जो था अल्लजीना, डेट इज ऑल्सो टाइप ऑफ इसम। तो इसम मौसूला, इसम इशारा, इसम जमीर, ये सब टाइप्स हैं, और बीच बीच में इसम की, और बीच बीच में मैं आपको बताती रहती हूँ कौन सी क्या है, यानी कोशिश करती हूँ, तो इसको आप लोग कोशिश किया करें, याद रखा करें। वकूद नार, वकूद ईंधन, अन्नार आग का, और यही लोग हैं वो जो के आग का ईंधन है। ये काफिरों की बात हो रही है, काफिर जो औलाद और माल के पीछे लगे रहे और अल्लाह के खिलाफ अल्लाह को ढूंढने में नाकाम रहे दुनिया में। हालांकि आप सोच, आपको तो पता है अब तो बहुत आसान है, इस्लाम के बारे में तकरीबन कोई कोई ही हम कह सकते हैं कंट्री हो जो जानती ना, जितना इस्लामोफोबिया को फैलाया जाए, चाहे नेगेटिवली ही सही ना, बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा, यही बात है ना। तो बदनाम तो इन्होंने किया है, लेकिन नाम तो हर जगह फैल गया और हर एक को पता है कि इस्लाम क्या है, और बहुत सारे लोगों को ये भी पता है कि इस्लाम सच्चा दीन है, लेकिन वो लोग अपने पर्सनल बेनिफिट की वजह से मान नहीं रहे होते। तो ऐसा कोई नहीं होगा क्यामत के दिन जो के अपने होशो हवास में दुनिया में मौजूद था और उस तक इस्लाम का पैगाम नहीं पहुंचा होगा, उसे इस्लाम का पता नहीं चला होगा। हाँ, एक्सेप्शंस हो सकती हैं, और वो जो एक्सेप्शंस होंगी उनको अल्लाह ताला उसी वक्त टेस्ट का, खास टेस्ट का वहां पे इंतजाम होगा और उनको अलग तरीके से डील किया जाएगा, जुल्म नहीं होगा अलबत्ता किसी के साथ भी। और बाकी जितने भी लोग हैं जो कि रिजेक्टर्स थे, जो कि माल औलाद एक्सेट्रा इन्हीं चीजों के पीछे पड़े रहे, दुनिया की जीनत के पीछे पड़े रहे, तो उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है, उनके लिए क्या है, वो जहन्नम की आग का ईंधन होंगे। देखिए, आग में जाना एक अलग बात है, फिर आग का ईंधन होना है, डेट इज समथिंग एल्स, कि वो खुद ही सोर्स बनेंगे उस आग को जलाई जाने का और उस आग को भड़काए जाने की, जो सोर्स होगी ना वो लोग खुद होंगे। तो ये उससे भी ज्यादा, जलने से भी ज्यादा खौफनाक बात है ये, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं, पीछे क्या बात हो रही थी, क्यामत पर ईमान की ना, तो जहन्नम का जिक्र डेफिनेटली जरूरी है, तभी तो हमें पता चलेगा कि क्यामत के बाद जो नतीजा आना है उसमें क्या होगा। कदा भी, का मतलब क्या होता है, मिसाल, ठीक है। कमा जैसे हम कहते हैं ना, दुरूद पाक से आपने याद रखना, दुरूद में होता है ना कमा सल्लैता, जैसा कि सल्लैता, जैसा कि मैंने दुरूद भेजा, कमा सल्लैता अला इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर, जैसा कि तूने, कमा सल्लई ताला इब्राहिम अला आल इब्राहिम, जैसे कि तूने रहमतें भेजी इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर, सॉरी सल्लई ताता जबरता है ना, तो तू का मतलब आएगा, यानी अल्लाह ने रहमतें भेजी। तो कमा मैं आपको बता रही थी बेसिकली दुरूद से याद रखने का, कमा मीन्स जैसा कि, या मानिंद या मिसाल, इस सब के लिए यूज होता है। तो कमा इज इक्वल टू काफ जबर का ऑल्सो, ठीक है, सिनोनिम्स हैं ये दोनों। तो का जैसे के दबी आले फिरआउन, मामला है आले फिरआउन का, यानी फिरआउन के अहले खाना का, वल्लजीना और वो लोग जो के मिन कबलेहिम उससे पहले थे, तो फिरआउन से पहले भी लोग और फिरआउन के अहले खाना वाले लोग भी, जो उनका जो मामला था ना, उनका क्या मामला था, कज़बू, कज़बा का प्लूरल जो है कज़बू, उन्होंने झुठलाया भी आयाती ना, हमारी आयात को, तकजीब करना, तकजीब करना क्या होता है, टू डिनाई समथिंग, टू रिजेक्ट समथिंग, तो उन्होंने झुटलाया हमारी आयात को। तो फिर ऑन के अहले खाना की अब यहाँ पे एग्जाम्पल दी जा रही है, हमेशा एग्जाम्पल के साथ जब बात समझाई जाती है ना, वो किस पर्पज के लिए होती है, पर्पज ऑफ द क्लैरिटी, फॉर द पर्पज ऑफ एक्सप्लेनेशन। जैसे हम हमारी अपनी टेक्स्ट बुक्स, डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स में भी ऐसे होता है, डिफरेंट एग्जाम्पल्स के थ्रू बात को फर्दर क्लियर किया जाता है,
तो एग्जैक्टली यही यहाँ पर किया जा रहा है कि फिरौन और उससे पहले की जो कौमें थी, अल्लाह ताला बता रहे हैं कि उन्होंने भी यही काम किया था। उनकी एग्जाम्पल ही ले लो कि उन्होंने भी अल्लाह की आयात को रिजेक्ट किया, तकजीब की। तो तकजीब क्या होती है बेसिकली, रिजेक्शन। और इसकी टाइप्स क्या होती हैं, तकजीब कैन बी फ्रॉम द हार्ट, तकजीब बिल कल्ब, देन तकजीब बिल लिसान जुबान से, एंड देन तकजीब बिल अमल। तो जरूरी नहीं है कि सबसे पहले आपको, पहले मैं टाइप समझा देती हूँ। तकजीब बिल कल्ब क्या, दिल से ही किसी बात को नहीं मानना, कि कोई अल्लाह, यहाँ पे आयात की बात हो रही है ना अल्लाह की, तो अल्लाह की कोई आयत किसी को बताए तो वो क्या करे, उसको दिल से ही ना माने। फिर कुछ लोग क्या करते हैं, वो दिल से मान रहे होते हैं लेकिन उसको जुबान से नहीं मानते, लोगों के डर की वजह से या और भी किसी भी रीजन की वजह से। जुबान जब उस पर अमल नहीं कर सकते, फॉर एग्जाम्पल यूजली पर्दे के मामलात में ऐसा होता है कि कोई पर्दा करना नहीं चाहती है या कर नहीं सकती है, जो भी रीजन है, और उनको दिल में पता कि ये बात सही है लेकिन जुबान से कभी मानेंगी नहीं। क्यों? क्योंकि अमल में नहीं है ना, कर नहीं रहे, गर्मी लगती है, जो भी सीन है, कर नहीं रहे तो जुबान से कभी नहीं मानेंगे, दिल में पता है कि ये सच है। तो दिस इज तकजीब बिल लिसान। और फिर लास्ट इज तकजीब बिल अमल और बिल जवारे। ये क्या होता है कि अमल से तकजीब करना, आप दिल से मानते, जुबान से कहते कि जी हम अल्लाह को एक मानने वाले, लेकिन नमाज नहीं पढ़ रहे, या झूठ बोल रहे हैं, या रिश्तेदारों का ख्याल नहीं कर रहे, चिला रहमी नहीं कर रहे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो क्या है, दैट इज तकजीब बिल अमल, यानी दिल से भी पता है, जुबान से भी मानते हैं लेकिन अमल में उसको लेकर नहीं आते। तो ऑल दिस इज तकजीब ऑफ द आयात ऑफ अल्लाह। अल्लाह ताला की आयात को सिर्फ पढ़ लेना, समझ लेना और ईमान ले आना उन पर जरूरी नहीं है, काफी नहीं है, काफी नहीं है, बल्कि उन पर अमल करना उसका पार्ट है। अगर अमल नहीं किया तब भी हम तकजीब ही कह रहे हैं। यहाँ पर अलबत्ता किसकी बात हो रही है, कौन सी तकजीब की, काफिरों की तकजीब की बात हो रही है। काफिर जब तकजीब करते हैं इसका क्या मतलब है, वो ईमान ही नहीं लाए, ठीक है, उन्होंने ईमान का ही कुफर कर दिया, उन्होंने इनकार कर दिया, वो दिल से ही नहीं मान रहे, तो जुबान और अमल में भी डेफिनेटली उनके नहीं है। तो इनके लिए क्या है, फअखज़ा हुम, तो पकड़ लिया उनको अल्लाह, अल्लाह ने भी जुनूबिहिम, ज़म्ब की जमा जुनूब, उनके गुनाहों की वजह से, तो उन्हें पकड़ लिया अल्लाह ने उनके गुनाहों की वजह से, या फिर उन्हें पकड़ लेगा अल्लाह उनके गुनाहों की वजह से, क्योंकि ये क़यामत के दिन की बात हो रही है। वल्लाहु और अल्लाह शदीद शदीद है अल इक़ाबी, सजा में, और अल्लाह सख्त सजा वाला है। तो अल्लाह ताला फिर उनको पकड़ लेगा उनके गुनाहों की वजह से और उनकी फिर सख्त सजा हो। कुल कह दीजिए, लिल्लजीना, लामजे ली और अल्लजीना दोनों जुड़े हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। अरबिक में आप देखेंगे बहुत सारे वर्ड्स जुड़ कर आते हैं। कुल कह दीजिए, ये अरबिक का स्टाइल है लिखने का, जैसे पीछे आपने पढ़ा फा अखजा होम, फा अखजा होम, तो ये तीनों वर्ड्स जुड़े हुए हैं आपस में। फा इज हर, जिसका मतलब फिर है, अखजा सिंपल फाला के वजन पे माजी, और होम क्या है, होम इसम जमीर जो के साथ जुड़ी हुई है। आगे देखिए, कुल लिल्लजीना कह दीजिए, लिल्लजीना उन लोगों से जिन्होंने कफरू कुफर किया, सतुगलबूना, सीन जबर सा, फेल मज, तुगलबूना जब आप देखते हैं तो आपको पता चल जाता है दैट इज फेल मजार है। फेल विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वक्त के एतबार से कितने होते हैं, ओनली टू, दैट इज माजी एंड मजार है इन अरबिक, ओके। इंग्लिश में कितने होते हैं, थ्री होते हैं, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। उर्दू में भी तीन ही होते हैं, माजी हाल मुस्तकबिल। अरबी में कैटेगरीज दो ही होती हैं, आते हैं उसके अंदर तीन ही है, ठीक है। माजी में माजी आएगा और मजारे में दोनों शामिल हो जाते हैं, फ्यूचर एंड प्रेजेंट बोथ। तो तुगलबूना, तुगलबून मगलूब हो जाओगे, ठीक है। अब मगलूब हो जाते हो जाओगे, ये दोनों मतलब इसके हो सकते हैं, क्योंकि मजारे हैं और मजारे में प्रेजेंट एंड फ्यूचर बोथ आते हैं। पता कैसे चलता है ये मजारे हैं, इसके स्टार्टिंग से पता चलता है। शुरू में हमेशा फेल मजारे के शुरू में जो निशान वर्ड आते हैं वो कौन से होते हैं, जो लेटर्स आते हैं वो कौन से होते हैं, हर, अलिफ, या, नून एंड ता, अनीत, अलिफ नून या ता, और एंड पे पेश आनी जरूरी होती है, सिंगुलर के एंड पे पेश आनी जरूरी होती है। उसको देखेंगे सिंगुलर को, जैसे ये इसका सिंगुलर क्या है, तुगलबू, बा पे पेश आ रही है ना, शुरू ता से हो रहा है, उससे हमें पता चल गया डैट इज मजार है। अब इसके शुरू में जो सीन लग रहा है, सीन का पर्पज क्या होता है,
16 का पर्पज होता है टू गिव द वर्ल्ड द मीनिंग ऑफ फ्यूचर। जो फेल मजारे है उसको पक्का पक्का फ्यूचर का मायने देने के लिए, मुस्तकबिल का मायने देने के लिए हम सा ऐड कर देते हैं, सीन जबर सा मजारे में ऐड कर देते हैं, एंड सौफा भी ऐड करते हैं कभी कभी। तो सौफा एंड सा बोथ आर सिनोनिम्स, जस्ट लाइक का एंड कमा, एंड बोथ हैज सेम मीनिंग। सा इज इक्वल टू सौफा। ओके, तो अरबिक में ना एक एक हर्फ का भी मतलब होता है। जैसे उर्दू में सीन, अकेले सीन का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अरबी में हम देख रहे हैं कि सीन को जब हमने मुतहर्रिक कर दिया ना, हरकत दे दी है, तो सीन पे जबर लगाई है, उसका कोई मतलब बन गया है। ठीक है, इसी तरह जैसे काफ जबर का, उर्दू में काफ का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अरेबिक में हरूफ के भी मतलब होते हैं। तो सिंपल सा हर काफ, काफ को मुतहरिक किया है तो काफ जबर का, उसका भी मतलब बन गया। इसी तरह ज्यादातर अरबी में जो सिंगल हर्फ है उनके मतलब होते हैं। जैसे अलिफ है, अलिफ का अकेले तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन अलिफ को जब हमने उसको हमजा बना के जब हमने उसको जबर दे दिया, मुतहरिक कर दिया, बेसिकली हमजा जबर अलिफ को, अरबी में अलिफ को ही हमजा कहते हैं जब इसको मुतहरिक कर देते हैं। ठीक है, तो हमजा जबर आ जो है जब वो बन गया तो उसका मतलब होता है क्या। बा का आप तो ऑलरेडी आपको पता है, बाजिर बी, बिस्मिल्लाह ही बी, ठीक है, बी से शुरू हो रही है ते। तो अरबी में क्या है, ये एक एक हर्फ का भी मतलब होता है। अरबी इतनी ज्यादा डिटेल्ड एंड एडवांस लैंग्वेज है, और इतने इसके वर्ड्स के अंदर इतना खजाना छुपा हुआ है। तो अब हम कहाँ पे थे, सतुग्लबूना, अनकरीब तुम मगलूब हो जाओगे, ठीक है, या फिर तुम मगलूब हो जाओगे। बेसिकली अनकरीब भी क्यों ऐड किया जाता है, ताकि मुस्तकबिल का मायने क्लियर हो जाए, या फिर गे ऐड करना इज ऑल्सो इनफ। तो कह दीजिए उन लोगों से जिन्होंने कुफर किया के तुम मगलूब हो जाओगे। वह तो शरूना, और जमा किए जाओगे। तो शरून का क्या मतलब होता है, हशारा से, और देखे ता से शुरू हो रहा है, इकट्ठा किया जाना, जमा किया जाना क्यामत के दिन, हशारा। क्यामत को यौमुल हशर क्यों कहते हैं, हशर का मतलब क्या, जिस दिन सबको जमा किया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा। इला जहन्नम, जहन्नम की तरफ, और तुम सब इकट्ठे किए जाओगे जहन्नम की तरफ। तो शरूना, यू कैन सी डेट ता से स्टार्ट हो रहा है, डैट मीन्स मजारे है, लेकिन ता पे पेश आ रही है ना, तो ता पे जब पेश आ रही है तो डैट मीन्स दिस इज, ये यहाँ पे पैसिव वॉइस बन रहा है, जस्ट लाइक तुगलबूना। ठीक है, इसका सिंगुलर क्या होगा, तो शरू, और इसका जो एक्टिव वॉइस है, फेल मारूफ जो है, फेल मजहूल कहते हैं पैसिव वॉइस को, एक्टिव वॉइस को फेल मारूफ, फेल मजहूल, फेल मारूफ। अब आप में से बहुत से स्टूडेंट्स नए ऐड हुए हैं ना, इसलिए ये सारी चीजें बता रही हूँ, वरना डेफिनेटली सूरतुल बकरा वाज लॉन्ग इनफ दैट वी ऑलरेडी स्टडीड दीज थिंग्स। तो इसको सिर्फ टच कर कर के चलते जाएंगे, रिपीट होंगी चीजें तो आपको खुद ही याद हो जाएंगी। तो जैसे होता है ना, तफ़ालू, तफ़ालू ता पे जबर के साथ, तफ़ालू दैट इज मजारे की सिंपलेस्ट फॉर्म। तो तफ़ालू के वजन पे तहशरू, तहशरू क्या होगा, दैट इज मारूफ। तो शरू दैट इज ता को पेश दे देना, दैट इज नाउ पैसिव वॉइस, और वो इकट्ठे किए जाएंगे। इला जहन्नम, जहन्नम की तरफ, यानी ग्रुप दर ग्रुप, जुमरा, सूरत जुमर में आता है ना कि जुमर्स में, ग्रुप्स में इनको जहन्नम की तरफ भेजा जाएगा। और भी वाइजन नुफुसु जुविजत, सूरत तकवीर में भी आता है ना कि जितने भी नफ्स होंगे, जितनी भी जाने होंगी, उनको जुविजत, जोड़ों में कर दिया जाएगा, यानी ग्रुप्स के ग्रुप्स होंगे, और वो लोग फिर इस तरह जन्नत जा जहन्नम की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे जहन्नम की बात हो रही है क्योंकि काफिरों की बात है, इनको इकट्ठे करके जहन्नम की तरफ इकट्ठा किया जाएगा, जहन्नम की तरफ। वबिता, और कितना बुरा है, अलमिहाद, मिहाद ठिकाना, और कितना बुरा है ठिकाना, तो ये इतना बुरा ठिकाना है जिसके बारे में अल्लाह ताला बता रहे हैं, और इसमें उन्हें डाला जाएगा। ये बताने का क्या मकसद है, बताने का ये मकसद ये नहीं है कि हम लोगों को वी लुक डाउन अपॉन देम, काफिरों के बारे में सिर्फ सोचते रहे कि हाँ ये तो उन्हीं की बात हो रही है भाई, उनको डरना चाहिए, हमने बस पढ़ लिया उनके लिए,
उनकी सिचुएशन समझ ले कि नहीं हमने पढ़ लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तकजीबिल अमल जो मैंने आपको डिफाइन की है कि वो भी तकजीब ही है अल्लाह की आयात की, वो भी गुनाह के, वो भी एक गुनाह है और उसकी भी सजा है। तो ये सजा किसी मुसलमान को भी मिल सकती है जो कि अल्लाह की आयात को वैसे मानने वाला है, कहता है कि जी मैं कुरान पर ईमान लाया हूँ लेकिन अमल में उसके नहीं है। और जब कहने और अमल में फर्क होता है ना, तो डैट इज मुनाफ़त। और जो मुनाफ़त होती है ना, उसका आपको पता है मुनाफिकीन जो है वो असफल साफिलीन में होंगे, सबसे निचले दर्जे जो हैं, दरके जो हैं जहन्नम के, उसमें होंगे। और वो दुनिया में तो यही कहते थे कि हम इस्लाम वाले, और अमल नहीं था उनका बेसिकली। कहने को तो मुसलमान थे लेकिन अमल नहीं था। और आजकल हम देखते हैं कि ज्यादातर मुसलमान ऐसे ही हैं। तो हमें भी डरना चाहिए सजाओं के बारे में पढ़ के, और ये सोचना चाहिए कि कहीं मैं तो ऐसी नहीं हूँ, कि मैं अपने अमल से जो मेरा बिलीफ है उसके अगेंस्ट तो नहीं जा रहा मेरा अमल। ठीक है, तो ये मैंने अपने आप से भी पूछना है। और किसी चीज को लाइट नहीं लेना, कुछ नहीं होता, फजर नहीं पढ़ी तो क्या हो गया, बाकी नमाजें तो पढ़ी है ना, तो फजर का भी बेसिकली उतना ही सवाल होगा जितना बाकी नमाजों का। और फिर लोग कहते हैं हाँ अल्लाह ताला तो माफ करने वाले हैं, कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला माफ कर देंगे, अल्लाह तो बड़ा रहम करने वाला है। तो लास्ट पारे में सूरतुल इन्फितार, इन्फितार के बाद ख़ल में सूरतुल इन्फितार में अल्लाह ताला क्या कहते हैं, या अय्युहल लज़ीना आमनू मा ग़र्रक बिरब्बिकल करीम, तुम्हें किस चीज़ ने धोखे में डाले रखा अल्लाह के अल्लाह से तुम्हें किस चीज़ में ने धोखे में डाले रखा कि अल्लाह तुमसे पूछेगा नहीं, सवाल नहीं करेगा, अल्लाह तुम्हें सजा नहीं देगा। ये सारा अल्लाह तो अदल करने वाला है भाई, ये तो जुल्म हो जाएगा अगर जो लोग फजर पढ़ते थे उनको उनको और जो लोग फजर नहीं पढ़ते थे उनको अल्लाह ताला बराबर कर दे, ये तो जुल्म हो जाएगा। अल्लाह ताला खुद सूरतुल कलम में क्या कहते हैं, अफनजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, कि क्या हम बराबर कर देंगे मुसलमानों और मुजरिमों को। अब वहां पे देखे मुजरिम की बात हो रही है, जुर्म करने वाला जो कि खुद मुस्लिम भी हो सकता है और काफिर भी हो सकता है और ईमान वाला भी हो सकता है। और मुस्लिम वो है जो कि अल्लाह, जिसने अल्लाह के आगे सर तस्लीम कम कर लिया, अल्लाह की फरमाबरदारी में आ गया। तो अफनजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, क्या हम बराबर कर देंगे मुसलमानों को और जो मेरी बात मानते थे और मुजरिम जुर्म करते थे उनको बराबर कर देंगे। मालकुम कैफ तहकुमून, क्या है तुम्हें, कैसी बातें करते हो तुम, ये अल्लाह ताला कह रहे कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये तो अदल का तकाजा है कि सबके साथ फेयर ट्रीटमेंट हो, ये कैसे पॉसिबल है कि अल्लाह ताला अदल ना करे, अल्लाह ताला जुल्म कर जाए। तो माफ करने का हरगिज, अल्लाह ताला की माफी का हरगिज ये मतलब नहीं है कि अल्लाह ताला अदल नहीं करेंगे। और ये वो आयात है जिनका मकसद क्या है, जिनका मकसद है हमें वार्न करना, हमें समझा देना, हमें खबरदार करना कि बच जाओ। ठीक है, डराना नहीं बल्कि खबरदार करना कि अपनी हिफाजत करना। और ये जो खबरदार करना होता है ना, ये असल में बताने वाले का रहम होता है, बताने वाले का की मर्सी है, ये अल्लाह का रहम है कि अल्लाह ने बता दिया। जैसे ये आपका अपने बच्चे पे रहम है, अगर आप उसको कहते हैं कि वहाँ छुरी पड़ी है उसको हाथ ना लगाना, या वहाँ पे चूल्हा जल रहा है, आग जल रही है, उसके पास ना जाना, ठीक है, तो बच्चा खुद ही बचेगा। ये आप डरा नहीं रहे उसको, आप बचा रहे हैं उसको असल में, आप उसको असल में उसको वार्न कर रहे हैं, खबरदार कर रहे हैं कि उसका कोई नुकसान ना हो जाए बेचारे का, मोहब्बत की वजह से कर रहे हैं, रहम की वजह से कर रहे हैं। तो ये अल्लाह ताला मोहब्बत और रहम की वजह से हमें डिस्क्रिप्शंस देते हैं जहन्नम की, ताकि हम उसमें जाने से बच जाएं। कद यकीनन काना है लकुम तुम्हारे लिए आयतन एक निशानी, यकीनन थी तुम्हारे लिए एक निशानी, फी में फियातैनी दो ग्रुप्स, ठीक है, फियाता एक ग्रुप को कहते हैं, फियातैनी जब तैनी भी एंड में ऐड हो जाता ना, डेट इज तस्निया, जैसे मैंने बताया था अरबी में क्या होता है, वाहिद तस्निया और जमा। तो और फियातीना अगर होता, फियातीना ईना अगर एंड एंड पे होता, डेट इज प्लूरल, ठीक है, कई ग्रोह फिर हम कहते हैं। तो बेशक थी तुम्हारे लिए निशानी इन दो ग्रोहों में, अल्तकता जो के आपस में नबर्द आजमा हुए, मतलब के जो जिनका आमना सामना हुआ आपस में। इसके सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं फिर इंशाल्लाह इसकी तफसीर कर ली पढ़ते हैं। तो कातिलु फी सबीलिल्लाह, वो लड़ रहा था अल्लाह के रास्ते में,
यानी एक गरो, सॉरी पीछे फियातुन लिखा है, सॉरी मुझसे मिस हो गया, फियातुन एक गरो तो कातिलू लड़ा था फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में, वह उखरा और दूसरा काफिरतुन और दूसरा काफिरों का था, यरउनहुम वो देख रहे थे, मिसलईहिम रायल आइन वो देख रहे थे, मिसलईहिम उनको दुगना, रायल आइन आंखों से देखना, खुली आंखों से ना वो उन्हें दुगना देख रहे थे, वल्लाह और अल्लाह युअय्यिदु बिनसरिही, अल्लाह तायीद करता है या मदद करता है अपनी नुसरत से जिसको वो चाहता है, इन्नल्लाह फी ज़ालिका इन्न फी ज़ालिका बेशक इसमें लाइबरातन अलबत्ता निशानी है लिउलिल अबसार, बस अहले बसारत के लिए, उलुल अलबाब रासिखून फिल इल्म और उलुल अबसार, ये तीन वर्ड्स है जो कि आपने पढ़ लिए उन लोगों के लिए इस सूरत में जो कि अकल वाले लोग हैं। और यहाँ पर किसकी बात हो रही है, कौन से दो ग्रोह आमने सामने हुए थे, बदर की बात हो रही है। तो इनशाला गजवा बदर का जो यहाँ पर जिक्र है, थोड़ा सा जिक्र आता है इस सूरत में बदर का, वो इनशाला हम पढ़ेंगे यहाँ पर, और फिर थोड़ा सा आगे जाके भी आएगा, दो प्लेसेस पे सूरत में आता है जिक्र। वाखरु दावाना अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत نستغفرك ونتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته। आप लोगों में से किसी का कोई भी क्वेश्चन हो किसी चीज से रिलेटेड, इसी पर्पस के लिए हमने ग्रुप बनाया हुआ है, आप उसमें प्लीज मुझसे पूछ लिया करें, ठीक है।